नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोहम्मद के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पर, दबंग कोटेदार की दबंगई से तंग आकर कार्ड धारकों ने डायल 112 पर किया फोन। कोटेदार घटतौली करने में नहीं आ रहा बाज और गरीबों के हक पर डाल रहा जमकर डाका। मियांगंज क्षेत्र के ताजपुर निवासी सुरेश वर्मा पुत्र स्वर्गीय रामस्वरूप कोटेदार, जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाते हैं, कोटेदार की दबंगई यहां से ग्रामीणों में जमकर आक्रोश व्याप्त है। कोटेदार सब रामस्वरूप गरीबों के हक पर डाका डालने में बाज नहीं आ रहे हैं। कोटेदार कार्ड धारकों से अंगूठा तो लगवा लेते हैं लेकिन उनको राशन नहीं देते हैं। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा ये कहकर कार्ड धारकों को वापस कर देते हैं। जब कार्ड धारक दूसरे दिन राशन लेने के लिए सरकारी सस्ते गले की दुकान पर आते हैं तब वहां कोटेदार रामस्वरूप कार्ड धारक को गाली गलौज करके फिर से वापस कर देता है, जिससे तंग आकर यहाँ के ग्रामीण कार्ड धारक डायल 112 पर फोन करके पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर अपने सामने राशन को वितरण कराने में लग गई, लेकिन कुछ देर बाद जब डायल 112 वापस चली आती तब दबंग कोटेदार रामस्वरूप फिर से राशन देना बंद कर देता है, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने हसनगंज खाद्य निरीक्षक से बातचीत की। खाद्य निरीक्षक ने बताया निःशुल्क राशन वितरण करने की विधि तिथि अभी सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई है। अब तो आलम यह है कि PRP पुलिस बैठकर राशन गांव में वितरण करा रही है और खाद्य विभाग के आला अधिकारी मौज की बंसी बजा रहे हैं। देखना अब ये होगा ऐसे दबंग कोटेदार पर हमारा शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उन्नाव से मोहम्मद इदरीस की खास रिपोर्ट।